हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी के आंटे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ग्रामीण बैंकों में आए हुए वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सभी राज्यों की ग्रामीण बैंकों की वैकेंसी निकाली गई हैं। लगभग 9622 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा गया है और कैसे सिलेक्शन होगा, कितने प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों, पूरे ऑल इंडिया में 9622 वैकेंसी है और कैसे इसका सिलेक्शन होगा, तो चलिए जानते हैं क्या है नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं रजिस्ट्रेशन और वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया है 1/7/2020 से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन, और 21/7/2020 तक आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, यहाँ पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस दिया है 1/7/2020 से 21/7/2020 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम ट्रेनिंग का डेट दिया है 24/8/2020, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का लेटर का 2020 में दिया है। यहाँ पे पूरा डिटेल रजिस्ट्रेशन का दिया है, और नीचे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे जो भी आपका वैकेंसीज है अंडर CRF, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में दिखा रहा है, यहाँ पे SC ST में कितना है, SC में 16, ST में और OBC में जनरल में कितना है, पूरा यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हर राज्य का, अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, बिहार में देखिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, यहाँ से टोटल ग्रामीण बैंक की ये वैकेंसी है और ये पूरे देश लेवल पे है, मतलब नेशनल लेवल पे है। यहाँ सभी राज्य की वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है, किसी भी राज्य का यहाँ पे सभी, लगभग सभी राज्यों की वैकेंसी यहाँ निकाली। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, बड़ोदरा UP बैंक, और यहाँ पे देखिए आर्यवंत बैंक, प्रथम UP ग्रामीण बैंक, यहाँ पे दिखा रहा है वैकेंसी, दिखा रहे हैं SC में कितना, ST में कितना, टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑफिसर स्केल फर्स्ट में दिखा रहा है, यहाँ अलग पोस्ट में आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सभी राज्यों की वैकेंसी शो कर रही है। तो यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लीजिए या देख लीजिएगा आपके राज्य में कितने वैकेंसीज है। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, यहाँ पे 1/7/2020 से एप्लीकेशन का लास्ट डेट 21/7/2020, और ऑनलाइन फीस पेमेंट लास्ट डेट देखिए यहाँ पे 21/7/2020 दिखा रहा है। उसके बाद प्री एग्ज़ाम डेट है 7/10/2020 में दिखा रहा है, और मेन एग्ज़ाम 7/10/2020 में दिखा रहा है। इसके दो एग्ज़ाम है, और ST का देखिए 175 फीस लगेगा, ST का, SC और ST का अदर कैटेगरी का देखिए 850 रुपीज़ लगेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया है, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कैश दे सकते हैं। यहाँ पे एज देखिए 1/7/2020 के टाइम में एज कितना, 21 ऑफिसर स्केल के लिए 21 से 40, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए अब देखिए 21 से 32 ईयर्स, और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 साल, यहाँ पे एज पूरा शो कर रहा है। और टोटल पोस्ट है 9622, देखिए यहाँ पे पोस्ट शो कर रहा है टोटल वैकेंसीज। तो हम कैसे इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो ये आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से देखिए IBPS गूगल में टाइप करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए इंस्टीट्यूट आप बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आप वेब पेज पोर्टल खुल गया। इस देखिए इस वेब पोर्टल पर यहाँ 4 न्यू अपडेट दिखा रहा है सबसे ऊपर में, देखिए लाइन चलते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले पे क्लिक हो गया, तो यहाँ पे सेकंड वाले पे आप एडवर्टाइज डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, एडवर्टाइज के बारे में क्या क्या डिटेल दिया गया। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लिंक आएगा, जो जिस रिक्वायरमेंट के लिए आप ऑफिस असिस्टेंट देखिए मल्टीपर्पज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और जो जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से देख लीजिएगा, उस पर उस लिंक पे क्लिक करना होगा आपको। तो ऊपर वाले पे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का देखिए पेज खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी जो रजिस्टर है उनके लिए रजिस्टर और पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड मांग रहा है डाल के यहाँ पे, तो हमें ऑलरेडी नहीं है तो क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा आपके सामने, यहाँ फर्स्ट नेम कन्फर्म, फर्स्ट नेम और मोबाइल नेम कन्फर्म, मोबाइल नंबर और लास्ट नेम कन्फर्म, लास्ट नेम फुल नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है इसमें टोटल इस तरह। और नीचे जाएंगे तो देखिए मोबाइल नंबर इंटर को कन्फर्म मोबाइल नंबर, और यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे भर देना, कन्फर्म ईमेल आईडी भर देना है।
ठीक है। इसके बाद कैप्चा फिल कर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आएगा, तो यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर दूसरे नंबर पे डाल देना है, तीसरे पे देखिए डिटेल और चौथे पे देखिए प्रीव्यू डाल दिखाएगा, यहाँ पे आप पाँचवें पे अपलोड कर देना है, छठवें ऑप्शन पे पेमेंट करना है जो भी। तो आप इस तरह आप अपना पेमेंट करके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो दोस्तों और आगे दिखा देंगे यहाँ एडवर्टाइज के बारे में क्या क्या डिटेल दिया गया है, आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो दूसरे सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करके तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल आपके सामने आएगा, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल रिलेशन, तो यहाँ पे देखिए पूरा आपका डिटेल शो करेगा, ये टोटल 51 पेज का ये फाइल है, यहाँ पे टोटल आपका उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, फीस से लेकर कब एग्ज़ाम है, क्या है एग्ज़ाम का, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है क्या, आप पूरा उसका डिटेल आपको दिया गया। देखिए यहाँ फीस क्या शो कर रहा है स्केल फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, देखिए फॉर एससी एसटी 175 और देखिए ऑल अदर के लिए देखिए 850। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम एग्ज़ाम देना है, क्या है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और जो भी जानकारी जानना चाहते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।